और सरायकेला खरसावा जिला अंतर्गत चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में गैर कानूनी कारोबार दिन पर दिन बरबान चढ़ता नजर आ रहा है। अवैध कारोबार चाहे बालू तस्करी का हो, कोयला कटिंग का हो, डीजल तेल कटिंग या फिर लोहे का, सभी कानून व्यवस्था को मुंह चिढ़ाता दिखाई दे रहा है। बता दें कि टाटा रांची राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर ईचागढ़ थाना क्षेत्र के दिनाई और नागा सेरिंग में कोयले का अवैध कारोबार अब उद्योग का रूप ले लिया है। चौका थाना क्षेत्र की तरह ही चांडिल थाना ईचागढ़ थाना क्षेत्र में कारोबारियों का अवैध कारोबार परवान पर है। नहीं, आप चांडिल अनुमंडल क्षेत्र जिस भी थाने में जाइएगा, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से अवैध धंधा फल फूल रहा है। पूरा पूरी इस झारखंड की जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार में इसकी बड़ी है। और चौका क्षेत्र की बात जब कर रहे हैं तो इस क्षेत्र में आप जिस ओर रहिएगा, अगर पानसा रोड या कानून रहिए या फिर इधर पालतू रोड रहिए या फिर एन एच में अगर मुकर जाइएगा या फिर इधर आपका टिकर मान कर, हर क्षेत्र में पूरा पूरी प्रखंड के संरक्षण में काम चल रही है। इसीलिए है ना, कोयला कटिंग हो रहा है यहाँ पर, चारकोल का काम हो रहा है आपका यहाँ पर, तेल कटिंग चल रहा है, सरकार का काम भी चल रही है क्षेत्र में। हम लोगों ने कई बार अनुमंडल अधिकारी से भी मिले और उस पर कुछ दिन कार्रवाई होती है, कुछ दिन बंद होती है, फिर से फिर चालू हो जाती है। इसका दोषी मैं पूरा पूरे वर्तमान झारखंड की जो हेमंत सरकार में उसी दोषी खड़ा होगा, क्योंकि उन्हीं के संरक्षण में सारा चीज काम हो रहा, प्रशासन भी उन्हीं के दबाव में ये सब काम कर रही है। आपने तो से सवाल किया कि भाई अब ये धंधा फल फूल रही है, इसमें बिल्कुल जायज है। इसमें आप चौका थाना क्षेत्र ही नहीं, आप बाकी थाना क्षेत्र भी देख लीजिएगा, चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में हर क्षेत्र में आपका कोयला से लेकर बालू और आपका छड़ सीमेंट सारा चीज की कटिंग हो रही है और पूरा पूरी प्रशासन की देख रेख में सारा चीज काम हो रही है। ऐसा नहीं प्रशासन के नजर से दूर है। हम लोगों ने इसके खिलाफ में कई बार हम लोग आवाज भी उठाया सोशल मीडिया के माध्यम से और हम लोगों ने वरीय पदाधिकारी से भी मिला, जिसमें हम लोग मिलते हैं उस समय थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है, लेकिन बार बार फिर उसे शुरू हो जाती है।